नमस्कार, लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय जो है शनि पर आधारित है। शनिदेव 30 अप्रैल 2019 से 18 सितंबर 2019 तक वक्री हो रहे हैं। कैसा रहेगा विभिन्न राशियों में इसका हाल, पीछे मैंने जो है तुला तक बताया, आज मैं वृश्चिक के बारे में बताऊँ। मेरा वीडियो राशि और लगन दोनों पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहेंगे 142 दिन का सफ़र, संक्षिप्त में बताऊँगा, उपाय बताऊँगा, उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। आपकी राशि से शनिदेव दूसरे भाव में इस समय पे संचरण कर रहे हैं, मतलब धनु राशि में। इस समय पे धन का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आप जुए में या सट्टे में या शेयर बाजार में देख दाख के धन लगाइएगा, नुकसान हो सकता है इस पीरियड में। वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। कुटुंब में दिक्कत होती दिखाई दे रही, पति पत्नी में आपस में संबंध खराब होते दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप पे धैर्य रखिएगा और इस समय पे वाणी के कारण चीज़ें खराब होंगी। वाणी पे थोड़ा सा अपना धैर्य रखिएगा। पड़ोसियों से संबंध खराब होते दिख रहे हैं, पड़ोसी समय हावी होते हुए दिख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपके स्थान के परिवर्तन के योग बनते हैं, स्थान का परिवर्तन के योग बन रहा है। देख दाख के परिवर्तन करिएगा क्योंकि इस समय पर स्थान का परिवर्तन अच्छा नहीं है। अगर परिवर्तन करना ही है, मजबूरी बन जाती है, कोशिश करिएगा, टालिएगा। अगर मजबूरी बन जाती है तो सितंबर या फिर अगस्त, 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में जो है स्थान का परिवर्तन करिएगा। अगर ये भी आपकी जो है मजबूरी पे है, गाड़ी घोड़ा देख के चलाइएगा। शनिदेव तीसरी दृष्टि से चतुर्भाव में देख रहे हैं, मालिक हैं आपके जो है तृतीय भाव के, गाड़ी घोड़ा देख के चलाइएगा, नहीं तो इस समय पर चोट या दुर्घटना का योग बन रहा है। या 142 दिन जो है आपको इस चीज़ का सतर्कता बरतनी है। व्यवसाय में दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं इस पीरियड में। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप, शनिदेव में जो है अलगाववादी हैं, ये पार्टनरशिप में व्यवसाय को ये कहते हैं कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। क्लियरिटी इनको बहुत पसंद है, ये न्याय के कारक हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप करिएगा तो अपनी तरफ से भी जो है चीज़ों को सतर्कता बरतिएगा और क्लियर रखिएगा, नहीं तो पार्टनरशिप टूटने के लिए 142 दिन का सफ़र बहुत लंबा नहीं है। इस पीरियड में ससुराल से सुख नहीं मिलेगा या ससुराल से किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी दिख रही है, या फिर आपकी वाणी के कारण जो चीज़ें पर खराब होंगी, ससुराल से मतभेद पैदा हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति के लिए समय अच्छा नहीं है, दादा लाई संपत्ति के लिए अच्छा समय नहीं है। किसी प्रकार की नई संपत्ति इस समय पर मत खरीदिएगा, सितंबर के बाद खरीदिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं इन सब चीज़ों के लिए। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए समय अच्छा है, और जो बच्चे शोध में हैं या पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि शनिदेव शोध के कारक हैं, पीएचडी के कारक हैं। इनकी सातवीं दृष्टि जो है शोध के भाव में पड़ रही है, इसलिए मैं ये कहूँगा शोध वालों के लिए, रिसर्च में जो लोग लगे हों उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप रिसर्च करिए, कहीं ना कहीं चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। धन के लिए समय सामान्य रहेगा, धन आएगा लेकिन खर्च में बदल जाएगा। आप अपने खर्चों का नियंत्रण करिएगा। इस पीरियड में धन जो है खर्च होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। धन आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खर्च होता दिख रहा है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बड़े भाई बहनों से इस समय पर पीड़ा मिल सकती है। किसी प्रकार के वाणी के कारण चीज़ें खराब हो सकती हैं, और बड़े भाई बहनों पे धन का खर्च भी दिख रहा है, या फिर धन जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर खर्च होता हुआ दिख रहा है। इस समय पे सतर्कता बरतिएगा वाणी से, नहीं तो चीज़ें खराब होंगी, संबंध खराब होंगे बड़े भाई बहनों से। बाकी मैं ओवरऑल अगर कहता हूँ, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, चोट लगेगी तो हाथ पे लगेगी, दोनों हाथों का ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई स्थिति ना बने, गाड़ी घोड़ा देख दाख के चलाइएगा, नहीं तो चोट लगेगी तो हाथों पे या कंधों पे चोट लगेगी। जो लोग दांत से संबंधित समस्या या नाक से संबंधित या कान से संबंधित समस्या है, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। बीमारी पीछे अगर ठीक भी था तो फिर उभर के आ जाएगी। इस समय पे परहेज करिएगा, और किसी प्रकार की भी अगर आपको शंका होती है कि पुरानी दिक्कतें परेशानी उभर के आ रही हैं, डॉक्टरी सलाह जरूर ले लीजिएगा इस समय पे। बाकी ओवरऑल देखा जाएगा, ये कहा जाएगा बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा। कुछ चीज़ों का मैंने बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और गाड़ी घोड़े का विशेष ध्यान रखिए। किसी प्रकार की ज़मीनी कार्यों में इस समय पे जो है मत पड़िएगा, या फिर नई ज़मीन जो है मत खरीदिएगा।
बाकी नए काम के लिए भी समय अच्छा नहीं है, सितंबर तक परहेज करिए, उसके बाद से चीज़ें बेहतर होंगी। उस पीरियड में आप जो है ये कार्य करिएगा, कहीं 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 ना कहीं बेहतर स्थिति बनती है। इस समय पे निर्णय गलत होंगे आपके, निर्णयों के कारण चीज़ें खराब होंगी। निर्णय ठीक लीजिएगा, निर्णय में गलती मत बरतिएगा और निर्णय अकेले मत लीजिएगा, घर परिवार का योगदान लीजिएगा और ख़ासकर निर्णयों में पत्नी को साथ में रखिएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें कम होंगी। मैं उपाय जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करिए, हर शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ के बचे दिनों में हनुमान चालीसा पढ़िए, बंदरों को चना खिलाइए, बंदरों को चना खिलाइए, इतना करेंगे आपको लाभ मिलेगा। और शनिदेव बजरंगबली जानते हैं मित्रता है, या फिर बजरंगबली जो है जो बजरंगबली की पूजा करते हैं उनसे शनिदेव खुश रहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मैं नए विषय के साथ आप लोग के सामने आऊँगा और कुछ अच्छी जानकारी दूंगा, ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय समय मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।